इस स्विंग मशीन की क्विक अनबॉक्सिंग तो आपने देख ही ली, और ये किट के साथ आती है। इसमें आपको 18 ये थ्रेड्स मिलते हैं, मधुरा कोट्स के ओरिजिनल थ्रेड्स हैं। ये सीजर्स, 5 ये नीडल्स मिल जाती है, एक ये मेजरिंग टेप, कुछ बटन्स और बाकी थ्रेड्स तो है ही है। इस तरीके से बड़े अच्छे से इन्होंने दिया है और ये बॉक्स काफ़ी यूज़फुल है। इसमें बाकी थ्रेड्स मैं बाद में डाल दूँगा। और एक इंस्ट्रक्शंस बुक सबसे मेन चीज़ है। जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा इस मशीन के लिए वो सारे इसी इंस्ट्रक्शन बुक से दूंगा, लेकिन इसके थोड़ी सी लैंग्वेज समझने में और इसका जो मेथड है समझने में टाइम लगेगा, तो वीडियो के ज़रिए आप जल्दी से इसको चलाना सीख पाओगे। काफ़ी फैंसी लगती है स्विंग मशीन और इसका वेट भी काफ़ी कम है, आप इजीली उठा पाएंगे। 7-8 किलो की होगी। इसका ऊपर एक ग्रैब हैंडल है। इसकी बैक साइड मैं दिखा देता हूँ आपको, और इसमें इसकी बाकी डिटेल्स हैं। 15 वाट का मैक्सिमम आप इसमें बल्ब लगा सकते हैं। मेड इन थाईलैंड और डिज़ाइन और स्पेसिफाइड ये टोक्यो जापान में है। बैक साइड पे जो पिन है ये थ्रेड का स्पूल आएगा इस पर, और ये थ्रेड गाइड है, इसके थ्रू हम थ्रेड डालेंगे। इस साइड पे बस इतना ही है, बाकी फ्रंट से दिखाता हूँ। ये स्टिच सेलेक्टर डायल है, ये बॉबिन वाइंडर स्पिंडल है, जो हम बॉबिन्स में थ्रेड भरेंगे वो इस पर लगा के भरेंगे। अरे बराबर में इसका स्टॉपर है, तो धीरे धीरे जब इस पर थ्रेड भर जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये गाइड है बॉबिन के लिए, और जो इसका मैनुअली घुमाएंगे। इस साइड पे आपको ये थ्रेड टेकअप लेवर दिखेगा, ये ऊपर नीचे हिलता है और थ्रेड को अपने एडजस्ट करता है। ये थ्रेड के टेंशन सेलेक्ट करने के लिए डायल है। कंपनी की तरफ से 4 पे दिया होता है, तो जो हार्ड फैब्रिक होता है जब उसमें आपको ज़्यादा टेंशन चाहिए होती है थ्रेड पे, तो इसको बढ़ा सकते हैं आप। 6, 7, 8 और 9 तक जाता है मैक्सिमम, मिनिमम ये 0 तक होता है। तो जो सॉफ्ट कपड़े होते हैं, सिल्क होते हैं, लोअर एंड पे रखते हैं ताकि कपड़े पे ज़्यादा स्ट्रेस ना डालें और कपड़े को काटे ना सिलाई। नॉर्मली 4 पे ही रहता है। सिलाई देख के आपको पता चल जाता है कि इसे कितना करना है, तो वो मैं आपको थोड़ी देर में अभी डेमोस्ट्रेट करूँगा वीडियो में। ये इसका रिवर्सिंग स्विच है, तो इनकेस आप जैसे सिलाई करते करते वापस करना चाहते हो तो इसको दबाएंगे, मशीन ऑपोजिट चलने लगेगी। मशीन के बैक साइड पे जो प्रेशर फुट होता है इसका एलिप्टर होता है, तो ये इस तरीके से काम करता है। मशीन के राइट साइड में आपको ये हैंड व्हील मिलेगा, इसकी मदद से हम इसे घुमा सकते हैं, तो ये ऊपर नीचे होता है। ये काफ़ी काम आता है सिलाई में, जैसे मैं आगे पीछे एडजस्टमेंट करनी होती है थोड़ी थोड़ी। और ये कनेक्टर है इसका, ये ऑन ऑफ बटन है। और इस साइड पे कुछ भी आप कवर मत करना, यहाँ इसकी मोटर का वेंटिलेशन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर आपको इसकी मोटर और बेल्ट भी चलती हुई दिख जाएगी, इसलिए इसको कवर नहीं करना है। इसका सॉकेट डायरेक्शनल है, उल्टी डायरेक्शन में नहीं लगेगा, ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा। चिंता मत करिए, आप इसे गलत नहीं लगा पाएंगे, पूरा चला जाना चाहिए। और इसके नीचे एक्सटेंशन टेबल होती है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा सामान मिलता है कंपनी की तरफ से। आपको 2 बॉबिन्स मिलती है, ये मैंने डाला है, थ्रेड लगा हुआ नहीं आता। और एक ये सीम रिपर होता है, इस तरह का शार्प टूल होता है जो थ्रेड्स को निकालने के काम आता है। इसका फ़ायदा ये होता है इससे कपड़ा ख़राब नहीं होता, सफाई से कोई भी स्टिचिंग आप इससे निकाल सकते हैं। ये पता नहीं किस लिए होता है, इसका पर्पस मुझे नहीं पता। ये वाला बटन सिलने के लिए होता है, ये इसका हम फुट बदल देते हैं। ये वाला राउंड हैमर फुट है। नीचे की तरफ से आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, ये थोड़ा इस तरीके का बना हुआ होता है कि सपोज़ आप चाहते हैं कि जो जॉइंट है वो राउंडेड अगर लगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पिलो केसेस होते हैं उसमें राउंड तरह की सिलाई होती है, जो जैसे 2 सीम होता है वो सीम दिखता नहीं है, दोनों कपड़ों को आपस में गोल गोल सिला हुआ होता है, तो ये उसी तरीके से ये काम करता है। और ये वाला स्लाइडिंग बटन होल के लिए है। स्विंग मशीन के साथ आपको 3 पीस इसके नीडल्स के मिलते हैं, 5 पीस तो किट में दे रखे हैं तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है। और इसको डार्निंग प्लेट कहते हैं, बेसिकली इसके जो डॉग्स होता है उसे कवर कर लेता है ताकि कपड़ा चले ना। इस स्विंग मशीन के साथ आपको इस तरीके का कंट्रोलर भी मिलेगा, तो ये पैड से कंट्रोल करते हैं हम। जितना आप इसे दबाएंगे उतनी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जितना कम दबाएंगे उतनी इसकी स्पीड कम हो जाएगी। इस सिलाई मशीन के साथ इसका एक कवर भी आता है जो कि इसे डस्टी होने से बचाता है जब यूज़ नहीं कर रहे होते हम इसे। इसकी सिलाई भी काफ़ी साफ़ है और नीचे भी अच्छे से आ जाता है, और ऊपर इसमें कट बना हुआ है ताकि ग्रैब हैंडल भी ऊपर निकल सके इसमें से। इसकी जो साइड टेबल है इसको खोल के एक्सेसरीज तो हमने निकाल ही लिए, लेकिन इसका जो कवर है ये हटाएंगे तो आपको इसकी मशीनरी दिख जाएगी। बॉबिन लगाने के लिए इसको ऐसे खींच के ऐसे निकालेंगे, इसके अंदर आपको इसका बॉबिन भी दिख जाएगा। पहले तो बॉबिन पे थ्रेड लगा देते हैं। तो इसकी बैक साइड पे जो पिन है उसे खोल लें। इसकी भी डायरेक्शन होती है, इसे किस तरह रखना होता है, इसको इस तरीके से लगाना होता है। थ्रेड नीचे की तरफ से आना चाहिए, ऐसे चले गए। फिर इसको इस थ्रेड गाइड पे से लेके आना है हमें। ये हो गया, अब इसकी फ्रंट पे चलते हैं। अब इस धागे को ये बॉबिन थ्रेड वाइंडर गाइड में लगाएंगे। ये गाइड होता है, इसे बॉबिन के लिए ही यूज़ होता है। और इस मशीन में प्लास्टिक बॉबिन ही यूज़ करना, मेटल वाले मत करना। इसमें छोटा सा छेद दिख रहा है, तो इसमें इस तरीके से थ्रेड डाल दीजिए और अपने हाथ से इसे खींच लें। उसके बाद इसको इस पर दबा के लगा दीजिए। इसे यहाँ ऐसे राइट साइड करना पड़ेगा, तभी ये घूमेगा। अगर इसको लेफ़्ट साइड छोड़ दोगे तो ये नहीं घूमेगा। तो एक तरह से क्लच होता है ये इसका। और इसको हाथ में पकड़े हुए थ्रेड को, जो इसका फुट कंट्रोल है, उसे दबाएंगे। ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है। आपने देखा ये अपने आप ही थ्रेड को एडजस्ट कर लेता है और ये जब पूरा भर जाएगा ये अपने आप भरना रुक जाता है। जब ये घूमना रुक जाए तो इसको वापस लेफ्ट साइड खींच के इसको निकाल लेंगे। इसके बाद थ्रेड को काट के इसे हटा लेंगे। और जब आप बॉबिन वाइंड करें, इस बात का ख्याल रखना कि ये जो प्रेशर फुट है ये नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। अगर ये नीचे होगा तो इसके जो डॉग्स हैं इसे प्रेशर फुट को डैमेज कर देंगे, ये उस पर घिसेगा। और अब बॉबिन को इसके अंदर लगाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये थ्रेड है ये इस तरीके से ऊपर से निकलना चाहिए। अगर आप इसे उल्टा करके लगा दोगे, जैसे थ्रेड यहाँ से निकल रहा है उसके वजह आप ऐसे लगा दोगे, तो मशीन आपकी जो सिलाई के वक्त गांठें बनाएंगी वो सही काम नहीं करेगी। इसलिए इसकी डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से ये डाल लेंगे। इसका जो थ्रेड है ये इसमें ऐसे लेके ऐसे निकाल लेना है, इसका जो छेद है उससे। और इसको ऐसे घुमा के इसे राइट साइड पे करके अब इसको यहाँ पर ऐसे दबा के ये इस तरीके से लग गया है। तो अभी आधा ही काम हुआ है। इसको स्पूल को हम लगाएंगे उसी डायरेक्शन में जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। पीछे डाल के इसके इस गाइड से ले लेंगे। बॉबिन वाइंड करने के लिए हमने इस वाले गाइड में डाला था, लेकिन नॉर्मल स्टिचिंग में ये काम नहीं आता। थ्रेड को यहाँ से ले जाना है। फिर ये आप देख सकते हैं ये एरो बना हुआ है, इसको यहाँ से ले जाके ऐसे ऊपर ले लेना है। फिर उसके बाद इसका हेड निकाल लेना है। इसको अपनी तरफ घुमाना है, यानी कि ऊपर से यह आपकी तरफ आना चाहिए, उल्टा नहीं घुमाना है। ये ऐसे ऊपर आ जाएगा। और फिर जो ये थ्रेड है इसको इस तरीके से इसमें ले लेना है। वापस नहीं निकलेगा ये, क्योंकि यहाँ पर इसकी क्लिप होती है। उसके बाद वापस इसको ऐसे नीचे ले लेंगे। तो ये धागा ऐसे घूम के आएगा, फिर ऐसे जाएगा। ये वाला पार्ट इसकी टेंशन एडजस्ट करने के लिए होता है। फिर ऊपर से जो थ्रेड आ रहा है इसको हमें इस वाली क्लिप में लगाना होगा। ये सब कर लेने के बाद इसमें धागा लगा लेंगे। इसमें आगे की तरफ से पीछे की तरफ जाता है धागा। और अब इसका जो व्हील है ये अपने तरफ घुमाएंगे, ऊपर से अपने तरफ, ताकि ये धागा ऊपर ले ले। मैं दिखाता हूँ आपको। दोनों धागे जब ऊपर आ जाएंगे तो इसको बंद कर लीजिए। और इसका जो बेस है इसको वापस लगा लेंगे। इस मोड सेलेक्टर डायल को घुमा घुमा के आप अलग अलग स्टिचेस सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर जो भी दिखाई है स्टिचेस ये उसी तरीके से सिलेगी। इस पर सारे मोड्स हैं और ये बटन्स के लिए है। एक पुराने राइट पे मैंने पहले ही इसकी सारी तरीके की स्टिचेस इस पर वर्क करके देख लिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये ABCD ये इसके हिसाब से जो भी इन्होंने डायल पे लिखा है वही मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये देख सकते हैं आप, सबसे बारीक वाली स्टिचिंग है, फिर ये उससे थोड़ी दूर है, फिर ये और दूर है, और बाकी ये जिगजैग में हो गई। ये 3 तरीके की जिगजैग, और ये थोड़ी सी एक अलग तरीके की है, क्रॉस स्टिचिंग है। ये थोड़ी सी अलग स्टाइलिश इन्होंने बना रखी। ये एक तरह से रफू का भी काम कर सकता है, बटन के जो काज बनाते हैं वो। तो ये जो सारे ABCD है वो यही करती है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो मैं इसको G पे सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे G पे चाहिए। और ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्टिचिंग आई है इसकी, बहुत ही क्लियर स्टिचिंग है। पास्ट में जो मेरे पास सिलाई मशीन थी वो बहुत ही बेकार थी। कोई भी जो रैग्स होते हैं ये इस तरीके से सिले जा सकते हैं, तो और फाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इतना ही कर दिया वीडियो दिखाने के लिए आपको। स्टिचिंग शुरू करने से पहले कपड़े को थोड़ा सा बीच में आप लेके करिए और इसका जो रिवर्स वाला बटन है इसको ऐसे दबा के फिर फुट पैडल दबाएंगे हम। हमने स्टिचिंग यहाँ से शुरू करी थी, तो ये यहाँ से इसने रिवर्स स्टिच करा, उसके बाद यहाँ से इसने शुरू करा। थ्रेड की टेंशन भी आपको दिखाने के लिए मैंने सिलाए, ये राइट साइड पे ये 0 पे है, लेफ्ट साइड पे ये 10 पे है। थ्रेड की टेंशन हमें इस तरह रखने होती है कि जो ये दोनों धागे कपड़े के बीच में रहें। तो अगर नीडल वाला थ्रेड ज़्यादा टाइट होगा वो नीचे बॉबिन वाले थ्रेड को ऊपर खींच लेगा, जिससे ये सिलाई इस तरीके से दिखेगी, ये भी सही नहीं है। और ज़्यादा लूज़ होगा तो वो खुद ज़्यादा नीचे तक चला जाएगा, तो वो भी सही नहीं है। तो टेंशन हमें इस तरह एडजस्ट करनी होती है कि दोनों धागे कपड़े के बिल्कुल सेंटर में आए। इसका प्रेशर फुट निकालने के लिए आपको ये जो पिन है इसको ऊपर ऐसे दबाना पड़ेगा और ये निकल जाएगा। वापस लगाने के लिए इसको ऐसे रखेंगे और जो इसका लिफ्टर होगा उसकी मदद से इसको गिरा लेंगे, उसके बाद इसको दबाएंगे तो ये वापस लग जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा लगाने में। इसी तरीके से सारे इसके जो फुट दिए लग जाएंगे, तो एक एक करके मैं दिखाता हूँ आपको। इसका मोड चलते हुए नहीं चेंज करना है, जब भी मोड चेंज करें कोशिश करें कि जो इसकी सुई है ऊपर हो और उसी के बाद आपको इसका मोड चेंज करना होता है। बेसिक स्टिचिंग में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, तो अब इस पर बटन स्टिच करना दिखाऊंगा मैं आपको। उसके लिए इसका ये फुट निकाल देंगे और ये वाली प्लेट लगा लेंगे, डार्निंग प्लेट कहते हैं इसको। इसका जो धागा है इसके बीच में से निकाल लेंगे, ये ऐसे रख लेंगे, इसको यहाँ मैच कर देगी। और इसका ये बटन स्विंग फुट यूज़ करेंगे, ब्लू वाला एंड आपकी तरफ रहेगा। बटन स्टिच करने के लिए आपको डी, ई और एफ जो मोड्स दिए हैं इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं ई को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये बटन छोटा है। सबसे पहले तो इसे हाथ से नीचे करेंगे और इसका स्ट्रोक देख ले कि लेफ़्ट साइड का स्ट्रोक है कि राइट का है। अभी इसका लेफ़्ट का है तो इसलिए इसे लेफ़्ट से मिला देते हैं, फिर इसका प्रेशर फुट दबा देते हैं। अब इसे मोटर से चलाएंगे। अब इसे उठा के थोड़ा सा आगे सरका लेंगे ताकि दूसरे छेदों में भी हो जाए। ये देख सकते हैं किस तरह लगा बटन। तो इसके धागों को ऐसे लूज नहीं छोड़ना, पीछे की तरफ से सारे धागे निकाल के आपस में गांठ लगा लेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से बटन लग गया, अच्छा टाइट बटन लगा है और पीछे से भी गांठ बांध दी मैंने। थोड़ा और फिनिशिंग से आप कर सकते हैं। तो इसका बटन वाला फुट निकाल के ये वाला लगाएंगे, राउंडेड हेम वाला फुट। और आप ये देख सकते हैं कितनी सफाई से स्टिचिंग हुई है। फर्स्ट टाइम जब मैंने करी थी मुझे प्रैक्टिस नहीं थी, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हुई है, इसी तरीके से होती है ये। अब आपको मैं काज सिलना सिखाऊंगा, तो इसके लिए ये वाला आपको फुट यूज़ करना है। ये इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से आप लगा लेंगे। जैसे फुट को लगाने के बाद इसका जो ये मोड है ए से आप इसे 1 पे कर दीजिए। तो लेफ़्ट साइड का जो काज बनाएंगे 1, फिर उसके बाद नीचे हम जो बनाएंगे उस पर 2, फिर 3 होएगा राइट साइड में, और फिर वापस इसको 4 करेंगे, तो ये पूरा स्क्वायर बनाएगा। तो जितना भी आपका साइज़ बनाना है वो आप मेजरमेंट कर लो, मैं तो अभी फ्री साइज़ बना के दिखा रहा हूँ। सुई को वापस ऊपर उठा लेंगे हाथ से, और इसका जो मोड है इसको चेंज करेंगे। इस साइड नीचे की साइड बना ली इसने, इसके बाद तीसरे नंबर पे करेंगे। ये करने के बाद इसको वापस 4 पे ले आएंगे। और ये काज इसने सिल दिया। इसको बीच में काटने के लिए इसका जो टूल दिया है इस तरीके से आप बना सकते हैं। दूसरी बार मैंने बना लिया ये काज ऑफ द कैमरा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा बन गया है, पीछे से भी काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा है। बाकी इसके जो भी अलग अलग तरीके के स्टिचेस दिए हैं इसका मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, कई डेकोरेटिव स्टिचिंग आप कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, निर्भर करता है कि आप किस तरह कर पाते हैं। इसको चलाने सीखने के बाद अब फोकस करते हैं मेंटेनेंस पे। ये जैसे निकल जाता है, इसका जो रेस होती है शटल रेस कहते हैं इसके। ये ओकेजनली इन पार्ट्स को निकाल के साफ करके लगा लेना है आपको, और जो इसका मशीन ऑयल होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी से आप देख सकते हैं थोड़ा सा रॉयल जमने लग गया है इस पर, जबकि ज़्यादा यूज़ भी नहीं करा है, तो इसी के वजह से मशीन में दिक्कत आती है अक्सर, जो जाम होने लगती है। अगर गांठें बना रही है सिलाई में या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो ये जो पार्ट है आप देख सकते हैं। तो इसकी जो टॉप प्लेट है इसको भी खोल के एक सॉफ्ट ब्रश की मदद से इसमें कोई भी अगर रोए जमा हो रखें तो उसको आप साफ़ कर लीजिए, उससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तरह लग जाएगा, और इसे हाथ से घुमा के चेक भी कर लेंगे कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं, और इसकी बॉबिन को वापस लगा लेंगे। वैसे तो ज़्यादातर इसकी सुई बिल्कुल भी नहीं टूटती ना ही अटकती, लेकिन अगर आपसे कोई लापरवाही हो जाए तभी वो टूटेगी। तो अगर सुई टूट जाए तो उसको बदलने के लिए ये बना रखा है इन्होंने, इसको खोल के आप ऐसे ले लेंगे तो ये बदल सकते हैं। और इस स्विंग मशीन में जो फ्लैट साइड होती है स्विंग की, ये आगे ऐसे लगेगी, तो जो फ्लैट साइड है वो आगे रहेगी और राउंड साइड हमारे तरफ रहेगी। और इसको स्विंग को लगाने के लिए वापस इसे अंदर लगा देंगे और इसको कस देंगे। बहुत ओवर टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ये लग गई अपनी जगह। सुई बदलने में इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, नीचे अंदर से भी इसका आपका टुकड़ा निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो मशीन को डैमेज कर सकता है। जब आपको टूटी हुई सुई के सारे टुकड़े वापस मिल जाए तभी सिलाई करना कंटिन्यू करना। हो सकता है जब आप इसको ज़्यादा काम करें जो इसका बल्ब है फ्यूज़ हो जाए, क्योंकि बल्ब की ज़्यादा लाइफ नहीं होती, तो उसके लिए आपको इस तरह का ये प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर होता है, फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर कहते हैं टेक्निकली, उसकी मदद से आप ये इसका पेज खोल लेंगे। तरीके से इसकी कैप निकल आएगी, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज घुमा के। ये वाला छोटा सा 15 वाट का बल्ब लगा हुआ होता है इसमें, तो ये इसके होल्डर को आपको थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ थोड़ी जगह टाइट है। तो यहाँ पर 2 स्क्रूज लगे हुए होते हैं, इस तरह के फिलिप्स हेड स्क्रूज होते हैं। तो ये खोल के इस तरीके से आप वापस इसको लगाएंगे, लग जाएगा जैसे नॉर्मली बाकी बल्ब लगाते हैं उसी तरीके से है। बस भाई जिस तरीके से हमने इसे लगाया वापस लगा लेंगे। ओवरऑल ये स्विंग मशीन मुझे काफ़ी पसंद आई, काफ़ी आसान है चलाने में, इसकी सिलाई भी काफ़ी साफ़ है और ना ही धागा तोड़ती है और ना ही गांठें बनाती है। स्पीड भी काफ़ी अच्छी खासी है, मंदी भी हो जाती है तेज़ भी हो जाती है क्योंकि इसमें वेरिएबल स्पीड के लिए कंट्रोलर है। फुट कंट्रोल होने की वजह से इसमें सिलाई करना काफ़ी आसान पड़ता है क्योंकि आप दोनों हाथों से पकड़ के सिलाई कर सकते हैं और पैर से इसकी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। घर के यूज़ के लिए ये सिलाई मशीन बहुत ही अच्छी है। हर घर में एक सिलाई मशीन का होना काफ़ी ज़रूरी होता है और लाइट यूसेज अगर आपके घर में यूज़ करना है तो ये सिलाई मशीन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, काफ़ी आसानी से आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। 2 साल की कंपनी ने इस पर वारंटी दी है। इसकी बिल्ड क्वालिटी देख के 2 साल तो क्या है, तो काफ़ी लंबे समय चल जाएगी। काफ़ी अच्छी वेल बिल्ट मशीन है ये। पहले तो मैं सोच रहा था जो मैनुअल सिलाई मशीन आती है वो लूँ, लेकिन जब मैंने उसके रेट्स पता करे वो भी 4-5 हज़ार की बैठती है, तो मोटर के साथ ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और घर बैठे अमेज़ॉन ने मुझे डिलीवर कर दिया और बिल्कुल सील पैक बॉक्स था, आपके सामने मैंने अनबॉक्स करा है। और इतनी फ्रेशली इंपोर्टेड यूनिट आज तक मैंने अपनी लाइफ में अनबॉक्स नहीं करी, तो इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतना फ्रेश पीस दिया है। और बात करें इसकी कीमत की, अमेज़ॉन पे ये सिलाई मशीन अभी 9,000 के आसपास चल रही है और इतने सस्ते पे आपको अमेज़ॉन पे ये सिलाई मशीन मिल रही है। अगर मार्केट में आप जाके पता करेंगे तो आपको 11,000 से ज़्यादा ही बताएंगे दुकानदार। अगर आपको करंट प्राइसेस चेक करना है या ये मशीन खरीदनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए, आप उस पर जाके देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरी तरह पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल है कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं आप मुझसे।